Assalamu alaikum students, how are you? As you all know that we had started at chapter number 8, which is aliphatic hydrocarbons, जिसमें हमने nomenclature पढ़ा था, and now we are going to start our topic, which is alkanes. Alkanes, हम सबका introduction है alkanes से. What are alkanes? They are basically saturated hydrocarbons. Why they are called saturated hydrocarbons? Because all the carbons are saturated with hydrogen. All the carbons are fully loaded with hydrogen atoms. They make single bond with carbon and hydrogen. उसमें कोई भी double bond या triple bond present नहीं होता. Their general formula is CnH2n+2. ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला जिसमें हम n की जगह 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करके अपनी एल्केन की सीरीज निकाल सकते हैं. एंड ऑल्सो द कार्बन इन एल्केन्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. जितनी कार्बन होती है एल्केन में दे ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. स्टूडेंट्स, जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हर टॉपिक के साथ हम लोग तीन चीजें लाजमी पढ़ेंगे. दैट विल बी देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शंस, हर टॉपिक के साथ. ठीक है, जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़नी है उस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने ये तीन चीजें पढ़नी है. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक अपॉन द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, द वन विच हैज डबल बॉन्ड और द वन विच हैज ट्रिपल बॉन्ड, उसकी हम हाइड्रोजनेशन करेंगे. हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हमने हाइड्रोजन ऐड करना है एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल. कोई मेटल यूज करना है, जैसे हम यहाँ पे निकल यूज कर रहे हैं. वी कैन ऑल्सो यूज प्लेटिनम एंड प्लेडियम. दिस प्रोसेस इज अ नेम्ड रिएक्शन विच इज कॉल्ड सेबेस्टियन-सैंड्रन्स प्रोसेस. एज यू कैन सी एन एल्कीन ओवर हियर आर बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप. आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और बाकी CH डबल बॉन्ड CH2 इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज अ एल्कीन. तो हम जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे आई हैव एडेड H2. H2 मींस एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड की दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा. वन हाइड्रोजन विल मूव टू दिस कार्बन एंड द अदर वन विल मूव टू दिस कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड टेम्परेचर कंडीशन विल बी 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा CH2. Bond will become single and this hydrogen will go towards this carbon and this will become CH3. Now all the valencies of carbons are satisfied and our unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon. So this is the one way in which we can prepare our alkane. Similarly, एक और एग्जाम्पल है जैसे मैं आपको नजर आ रही दिस ethene में हमने हाइड्रोजन एड किया. वन हाइड्रोजन विल मूव टू द कार्बन दिस वन एंड द अदर वन विल मूव टूवर्ड्स दिस वन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा. ऑल्सो आई सेड वी कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड प्लेटिनम, बट दोज आर एक्सपेंसिव मेटल्स. उनके साथ हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम निकल को प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज इकोनॉमिकल. वट इज द यूज ऑफ दिस रिएक्शन, हमने पहले पढ़ा था 14 चैप्टर में दैट वी कैन मेक वेजिटेबल घी फ्रॉम ऑयल. ऑयल से हम घी बना सकते हैं. सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू घी. सेकेंड वन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, we can convert alkyl halides into alkanes in the presence of two things. They are zinc and mineral acid. Alkyl halide is treated with zinc and mineral acid. Mineral acid is basically the acid dissolved in water. Kisi bhi acid ko hum water mein dissolve karte hain to it is known as mineral acid. Jaise ki HX. HX ka matlab hua हाइड्रोजन H, और X क्या है, कोई भी हैलोजन. जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, सारे HX. इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूं तो इट विल ब्रेक अप इनटू टू आइंस, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव. इसलिए दो आइंस सेपरेट लिखे हैं बिकॉज दिस हैज बीन डिजोल्व इन वाटर. अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव करेगा RX एंड इट विल मेक अ बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन RH. ये हो जाएगा RH. पीछे क्या रह गया, Z एंड X, दिस वन X नेगेटिव एंड दिस X. ये सारे कंबाइन करके बनाएंगे Z एंड X2. ठीक है, अगर ये है जनरल रिएक्शन. अगर R की जगह हम क्या लेते हैं, CH3, और X की जगह लेते हैं आयोडीन, तो ये है मिथाइल आयोडाइड विच इज एन अल्काइल हैलाइड. इट इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद हाइड्रो आयोडिक एसिड. व्हाट इज हाइड्रो आयोडिक एसिड, व्हेन वी डिसॉल्व हाइड्रोजन आयोडीन इन वॉटर, हाइड्रोजन आयोडाइड इन वॉटर, इट फॉर्म्स हाइड्रो आयोडिक एसिड. ये वाला बॉन्ड यहां से क्लीव करेगा, दिस CH3 विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन एंड विल फॉर्म CH4 विच इज मीथेन,
and Zn, I and I, it will form zinc iodide. Okay. Another process in which we can use alkyl halide for the preparation of alkanes is hydrogenolysis. This is different from hydrogenation. Hydrogenation में हम क्या करते थे, simply hydrogen को add करते थे across double or triple bond. But in case of hydrogenolysis, the hydrogenation is accompanied by bond cleavage. Hydrogenation तो हो रही है, hydrogen तो add हो रही है, but also there is a bond cleavage. कैसे? This is an alkyl halide, this is hydrogen. ये वाला bond cleave करता है, ये वाला bond cleave करता है. This R combines with this H forms. This is RH, not RX. And this X combines with H and forms HX. This reaction happens in the presence of palladium charcoal, and some heat is given to this reaction. So this is hydrogenolysis. It is different from hydrogenation. In hydrogenation, we add across double bond and there is no bond cleavage, while in case of hydrogenolysis we add hydrogen plus there is a bond cleavage. Third step is decarboxylation of monocarboxylic acids. Decarboxylation means removal of carbon dioxide. Decarboxylation of monocarboxylic acids, those acids in which there is one carboxylic group. One carboxylic group then acids were present होगा, उन्हें कहेंगे monocarboxylic acid. And decarboxylation is the process in which we remove carbon dioxide. You can see this acid RC double bond OOH. This is a carboxylic acid and also it has one carboxylic group, so it is monocarboxylic acid. This is an acid. अगर हम acid को base के साथ combine करें, जैसे sodium hydroxide, तो यहाँ पे क्या होगा? Water release होगा. This H and this OH, they will form water. और यहाँ पे क्या रहेगा? O negative और ये Na positive जाके combine कर देगा और क्या बनाएगा? Salt. इसे कहते हैं sodium salt of monocarboxylic acid. So in this reaction we are going to use sodium salt of monocarboxylic acid. उसको हमने treat करवाना है soda lime के साथ. Okay. What is soda lime? Soda lime is basically the combination of two things. One is quicklime and one is soda, called as caustic soda. So we are going to mix two things together, CaO which is quicklime and NaOH which is caustic soda. इन दोनों को combine करके solution को dry करते हैं तो it forms soda lime. तो हमने इसको treat करवाया sodium salt of monocarboxylic acid को soda lime के साथ. तो इसने हमारे पास क्या दिया, क्योंकि हमने remove करनी थी carboxylic कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम किस फॉर्म में रिमूव करेंगे? उसको हम सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिमूव करेंगे. Na2, दिस whole rectangular thing will be removed. Na2CO3, sodium carbonate. पीछे क्या रहेगा? R and H. This R and H will be combined and Na2CO3 will be removed. अगर इस alkyl group को हम replace कर दें ethyl group के साथ, तो अब क्या होगा? Again Na2CO3 will be removed. This CH3CH2 will combine with this hydrogen and it will form ethane and Na2CO3 will be released. Okay. Second reaction in which we use monocarboxylic acid. Basically, जो दोनों types हैं, they are of same decarboxylation of monocarboxylic acid. उसमें दो reaction थे. दोनों, एक में हमने क्या use किया? Quick soda lime, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? Kolb's electrolysis method. Kolb's electrolysis method. आपको पता है electrolysis क्या होता है? There are two ions, positive and negative, and they move towards their respective electrodes. वहां पे वो रिएक्शन करते हैं, वेदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. तो इसी तरह का कुछ रिएक्शन है जिसमें हमने क्या लेना है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और उसको हमने ट्रीट करवाना है वाटर के साथ. ओके, सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं ये कैसे आया है. सबसे पहले हमने लेना क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट. इट इज डिजॉल्व इन वाटर. तो आपको पता है जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दो आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, अलग हो जाते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा? ये आइन अलग हो जाएगा नेगेटिव, एंड दिस सोडियम आयन विल बी रिमूव्ड. ये दो आइन्स बन गए आपके, एन आइन और कैट आइन. आपको पता है एन आइन विल मूव टूवर्ड्स एनोड. यहाँ पे एन आइन क्या करेगा? एनोड की तरफ जाएगा. एनोड पे जब जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगी. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर आप देखें तो मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हैं सोडियम सॉल्ट के, दो मॉलिक्यूल लिए हैं. इन्होंने हमारे पास दो नेगेटिव आइन प्रोड्यूस किए हैं. दीज टू नेगेटिव आइन्स, हर एक आयन या हर एक जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा.
तो हमने पहले डिस्कस किया था जब कोई आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, बिकॉज वी टुक टू आयन्स सो वी गॉट टू फ्री रेडिकल्स। दीज टू फ्री रेडिकल्स अगेन विल गिव अस CO2। ये है हमारे पास CO2, लेकिन CO2 तो न्यूट्रल फॉर्म में रिलीज होगी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा न्यूट्रल इस फॉर्म में C डबल बॉन्ड O। और जो हमारे पास फ्री रेडिकल है वो शिफ्ट हो जाएगा इस मिथाइल के ऊपर, अल्काइल के ऊपर। तो वी गॉट टू अल्काइल ग्रुप्स, दोनों के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है, उसको हमने अलग सेपरेट कर लिया, वन अल्काइल एंड सेकेंड अल्काइल। ये दोनों क्या करेंगे, जो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में इनके साथ प्रेजेंट है, इसको कंबाइन करके शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, एंड दिस विल टर्न इनटू आर ग्रुप। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास आर अगर मिथाइल हो, दिस मिथाइल एंड दिस मिथाइल ग्रुप दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म इथेन। ठीक है, यहाँ तक समझ आई क्या हुआ। हमने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, we dissolved it in water, it gave us two ions, anion and cation. Anion moved towards anode, at anode it undergoes oxidation, it loses electron and forms free radical. This free radical gives away carbon dioxide and form two alkyl free radicals. These alkyl free radicals combine with each other and ultimately form an alkane. ऑल्सो नोटिस कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, लाइक द वन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन इन दैम। हम इससे मीथेन जनरेट नहीं कर सकते। हम लोग क्या लेंगे यहाँ से, टू कार्बन वाली एल्केन या फोर कार्बन वाली या सिक्स कार्बन वाली एल्केन हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ओके, सो आवर सेकेंड आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड। हमारे पास क्या बना था, एक वाटर हमारे पास रह गया था, दैट वाटर व्हेन इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन और एच पॉजिटिव, जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। दिस हाइड्रोक्साइड आयन विल कंबाइन विद द सोडियम आयन विच वॉज जनरेटेड अर्लियर और बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यू नीड टू नोटिस ओवर हियर कि हमारे पास क्या चीजें बन रही है। कैथोड पे हमारे पास दो चीजें जनरेट हो रही है, विच इज हाइड्रोजन गैस एंड कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास एनोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे एक बन रही है एल्केन और एक बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हमने क्या लिया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद डिजोल्व इट इन वाटर, और हमें क्या मिला, एक एल्केन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैथोड, जो कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। नाउ कमिंग टू आर फोर्थ मैथड विच इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से, कीटोन एंड एल्डिहाइड्स को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं, उनकी रिडक्शन करवा के बेसिकली। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ किशनर रिडक्शन। इन क्लेमेंसन रिडक्शन वी रिड्यूस कीटोन टू एल्केन्स, वाइल इन वोल्फ किशनर वी रिड्यूस एल्डिहाइड टू एल्केन्स। तो आपने याद रखना है क्लेमेंसन क एंड कीटोन क, तो क्लेमेंसन यूजेस कीटोन एंड वोल्फ किशनर यूजेस एल्डिहाइड्स। सो दिस इज अ कीटोन विच इज नोन एज एसीटोन। एसीटोन को हम रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और जो कैटलिस्ट हमने यूज करना है इट इज जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक अमलगम इज बेसिकली जिंक एंड मर्करी मिक्सचर एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या होगा, दो हाइड्रोजन एड अप हो जाएंगे इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा वॉटर। तो आप यहाँ पे देखें CH3, ये तो CH3 सेम है। दिस CH2 ये कहाँ से आया है, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन। यहाँ से दो हाइड्रोजन क्या हुए हैं, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं, और जब ये ऑक्सीजन बाहर निकल आया तो ये ऑक्सीजन रिमेनिंग टू हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, वॉटर बना रहा है। तो हमारे पास एसीटोन से क्या मिला, प्रोपेन। एसीटोन हैज बीन कन्वर्टेड इंटू प्रोपेन। Now this is an aldehyde जो कि है एसिड एल्डिहाइड को अगेन हम रिड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन एड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एंड KOH एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगेन टू हाइड्रोजन विल रिप्लेस दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बाकी के दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वॉटर। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3, दिस CH3, CH2 एंड H विच इज CH3, सो दिस इज इथेन। तो एल्डिहाइड को, एसिड एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया इथेन के अंदर। लास्ट वन इज
preparing alkanes from Grignard reagent. What basically is a Grignard reagent? Alkyl halide when treated with magnesium metal in the presence of anhydrous ether. Alkyl halide treated with magnesium metal in the presence of anhydrous ether, anhydrous from which the water has been removed. तो हमारे पास जो reagent बनता है CH3MgBr, this is known as Grignard reagent. It is named after a chemist. तो ये Grignard reagent use करके भी हम बना सकते हैं alkanes. We will treat this Grignard reagent with water. आपको पता है जो metals होते हैं, they are highly electropositive. So they carry partial positive charge और carbon के ऊपर क्या आ जाएगा, partial negative charge. Also you know in water, hydrogen carries partial positive charge while hydroxide ion carries partial negative charge. So in reaction, negative end combines with the positive and positive end combines with the negative end. This negative end CH3 will combine with positive and form CH4, while this hydroxide ion negative will combine with this MgBr positive end and form MgBrOH. Isi tarah se agar hamare paas ethyl magnesium bromide ho, again this negative carbon will combine with positive hydrogen and forms ethane, and this magnesium on one hand combines with has been combined with bromine will combine with this hydroxide ion. So basically these are all five methods we have studied for preparing alkanes. Kal inshallah hum padhenge about the physical properties and the chemical reactions of alkanes. Till then, Allah Hafiz.